Hello, all my dear listeners. Welcome to my next video on the poem number 9 titled A Legend of the North Land. In my previous videos related to the same poem, I have shared with you the introduction, the summary, the vocabulary, and the literary devices related to the same poem. I have also shared with you a video having the explanation of first two stanzas of these poem so kindly watch those videos so that the poem becomes clear to you all what the poem is all about and the concept also becomes clear today in this very video i am going to share with you the explanation of stanza number 3 4 and 5 please listen to them and watch the video again and again so that they become clear okay so let us see the stenger number three on your screen is the stenger number three and what the stenger number three is i'm going to read it they tell them a curious story i don't believe this true दे हेयर इट इज़ यूज फॉर दोज पीपल दोज पेरेंट्स दोज एल्डर्स हु टेल द स्टोरीज अब वो स्टोरीज किसको को बताते देम को दैम मीन्स टू द चिल्ड्रेन और द यंगर जनरेशन ठीक है अब वो जो पेरेंट्स हैं या जो एल्डर्स हैं, वो स्टोरी सुना रहे हैं बच्चों को या यंगर जनरेशन को कैसी स्टोरी अ क्यूरियस स्टोरी एक स्ट्रेंज स्टोरी ठीक है एक बड़ी सी अजीब बड़ी विचित्र कहानी जो है वो सुना रहे हैं ओके स्ट्रेंज आई हैव गिवन यू द मीनिंग हेयर क्यूरियस मीन स्ट्रेंज नाउ द पोएट सेज आई डोंट बिलीव दिस ट्रू अब जो कहानी है वो एल्डर सुना रहे हैं यंगर जनरेशन को पोएट कहता है कि आई डोंट बिलीव इट दिस ट्रू कि मैं उसको सच नहीं मानता हेयर आई इट इज़ यूज फॉर द पोएट ठीक है तो ही डजेंट बिलीव इट ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन पोएट कहता है कि फिर भी आप इसमें एक लेसन सीखेंगे एक सबक सीखेंगे ठीक है और इफ़ आई टेल द टेल टू यू अगर मैं आपको ये स्टोरी सुनाता हूँ तो पोएट कहता है तो आप डेफिनेटली जो है इसके अंदर एक लेसन सीखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज जो है इस पोएम के अंदर दिया हुआ है पोएट कहता है ना ये देखो आपको मैंने लिख के दिया हुआ है सारा का सारा यू कैन हैव the explanation written also. ओके okay? तो स्टोरी जो है वो एक important मैसेज दे रही है वो मैसेज मैंने आपको इसमें आपके शेयर भी किया हुआ एक वीडियो कि क्या मैसेज जो है poem दे रही है ओके okay? तो चलो ये था हमारा stanza नंबर वन आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कोई इसमें कोई नया वर्ड नहीं है कोई डिफिकल्ट नहीं है मुझे क्यूरियस वर्ड लगा क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब स्ट्रेंज है क्यूरियस का मतलब उत्सुक भी होता है वेन वन इज़ वेरी मच एक्साइटेड टू नो समथिंग उसको भी हम क्यूरियोसिटी कहते हैं क्यूरियस कहते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर क्यूरियस का मतलब स्ट्रेंज था तो इसलिए मैंने आपको उसको अलग से यहाँ पर बता भी दिया है ओके चलो बाकी सब वर्ड जो थे वो बहुत ही कॉमन है सिम्पल हैं वो आपको आई होप समझ में आ गए होंगे चलो अब नेक्स्ट हम लोग इसका स्टेंजा देखते हैं द स्टेंजा नंबर फोर स्टेंजा नंबर फोर क्या कहता है स्टोरी है टेल है वो शुरू हो रही है उसके बारे में बता रहे हैं वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एक बार जब सेंट पीटर जो है रह रहे थे नीचे दुनिया में दुनिया मतलब कि हम इंसानों की जो दुनिया धरती पर अर्थ पे वो सेंट पीटर आए हुए थे अब सेंट पीटर कौन है ये जीजस क्राइस्ट के जो बारह डिसाइपल थे जो बारह शिष्य थे जो बारह उनके अनुयायी थे उनमें से एक जीजस के अनुयायी सेंट पीटर थे ठीक है तो उनमें से एक जो थे 12 में से सेंट पीटर हो गए उनके डिसाइपल वो जब धरती पर एक बार आए हुए थे ही वॉकड अबाउट इट पूरी धरती पर ज़मीन पर वो पूरी पृथ्वी का उन्हें चक्कर लगाया सब जगह वो घूमे, किस लिए प्रीचिंग करते मतलब रिलीजियस लेक्चर देते वो जो है धरती पर घूम रहे थे ओके जस्ट एज ही डिड यू नो जैसा कि उन्होंने किया एंड समथिंग happened. जैसे उन्होंने ऐसे मतलब उपदेश देते हुए वो घूम रहे थे कोई इंसिडेंट हुआ कोई वाक्य ऐसा हुआ कि जो वाक्य इस पोएम में जो है एक्सप्लेन कर रहा है पोएट हमारा ठीक है अब वो इंसिडेंट क्या था सेंट पीटर का घूमते हुए प्रीच करते हुए वो इंसिडेंट क्या था उस इंसिडेंट के बारे में आगे हम इस पोएम में जानेंगे तो चलो वो था हमारा स्टेंजा नंबर फोर अब देखते हैं स्टेंजा नंबर फाइव स्टेंजा नंबर फाइव क्या कह रहा है ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज अब धरती पर पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए सेंट पीटर जो है एक कॉटेज के दरवाजे पर पहुँचे कॉटेज मीन्स अ स्मॉल हाउस ठीक है एक छोटे से घर के दरवाजे पर वो पहुँचे इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ धरती पर पूरा घूमते हुए अब जब उस छोटे से घर के दरवाजे पर वो पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा उस घर के अंदर ए वूमेन लिटिल वूमेन वॉज़ मेकिंग केक्स अब घूमते घूमते सेंट पीटर को भूख भी लगी हुई थी तो उनकी नज़र पड़ी उस घर के अंदर एक छोटी सी औरत थी और जो केक्स बना रही थी ठीक है एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ और उन केक्स को जब वो पका रही थी बेक कर रही थी हर्थ के ऊपर हर्थ मतलब इट इज़ अ फायर प्लेस वे यू डू कुकिंग नीचे मैंने आपको मीनिंग दिया भी हुआ है ठीक है तो उस फायर प्लेस पर उनको कुक कर रही थी केक्स को पका रही थी तो उस प्लेस पर वो घूमते घूमते पहुँच जाते हैं हुँ? चलो अब ये हो गया हमारा हमारा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको फिफ्थ का दे दिया फोर्थ का दे दिया और थर्ड स्टेंजा का दे दिया तो आई होप तीनों स्टेंजाज आपको अब अच्छे समझ में गए होंगे बार बार वीडियो को देखिए कोई मुश्किल वर्ड नहीं है कुछ इसमें कुछ ऐसा है, नहीं है कि जो आपको बहुत मुश्किल लगे ईजी लैंग्वेज में दिया हुआ है और मैंने आपको एक्सप्लानीशन भी नीचे रिटर्न में आपको दिया हुआ है तो ये समझ में आपको आ भी जाएगा ठीक है तो चलो अब आज के लिए बस इतना ही मैं जल्दी आपके पास अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी अपने नेक्स्ट टेंजर्स की एक्सप्लेनेशन के साथ तब तक आप इनको पढ़ते रहिए देखते रहिए और अपना सिलेबस कॉन्टिन्यू रखें ओके सो इट्स गुड बाय फ्रॉम मी कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ